हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आरवी क्रिएशन में। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी खास होने वाला है। साथ ही साथ में हर वीडियो की तरह इस वीडियो में हमने मटेरियल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दिया है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मटेरियल टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने तो प्रीव्यू देख लिया। इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो तो पहले आपको दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी। एक तो लाइट मोशन का लेटेस्ट वर्जन और दूसरा बिट मार्क और शेक इफेक्ट। दोनों के दोनों वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएंगे। आप उसे पासवर्ड डाल के अपने लाइट मोशन में इंपोर्ट कर सकते हो और लाइट मोशन का लेटेस्ट वर्जन बिना पासवर्ड के डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। चलो दोस्तों, हम चलते हैं बिट मार्क और शेक इफेक्ट पर। तो दोस्तों, आपको लाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। बाद में प्रीसेट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो आपको शेक इफेक्ट, सॉन्ग बीट मार्क दोनों के दोनों प्रीसेट लिंक जो आप इंपोर्ट करोगे वो आ जाएगा। तो चलो हम चलते हैं सॉन्ग बीट मार्क पर। सॉन्ग बीट मार्क पर आ जाने के बाद यहाँ मेरे का चैनल का लोगो है, वहाँ अपने चैनल का लोगो सेट कर सकते हो। तो मैं टेक्स्ट प्रीसेट में आपको दे दूँगा। तो आपको सिर्फ फ़ोटो डालना है, इसलिए आपको डबल बीट पर आ जाना है। डबल बीट पर आ जाने के बाद प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक कीजिए। बाद में आपको महादेव का फ़ोटो ऐड कर लेना है। तो फोटो ऐड करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए। फिर से यहाँ पे जाके जाके क्लिक करके पीछे का पार्ट कट कर दीजिए। फिर से प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, फ़ोटो पर क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए। यहाँ आपको दो एक आइकॉन इस तरह से आएगा तो आप बीट पर आ जा सकते हो। तो वहाँ से आपको ऐसे कट कर देना है। फिर से प्लस पर क्लिक कीजिए, फिर से फ़ोटो पर क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से जो मैंने बीट पे फ़ोटो डाला है तो मैं जल्दी से सारे बीट पे फ़ोटो डाल देता हूँ। दोस्तों, मैंने फ़ोटो डाल दिया पूरे बीट पे। तो आपको शेक इफेक्ट फ़ोटो में डालने के लिए आपको शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पर आ जाना है। शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आ जाने के बाद यहाँ फ़ोटो दिखा देगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए, इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। फिर से आ जाए सॉन्ग बीट मार्क पर। सॉन्ग बीट मार्क पर जाने के बाद जहाँ डबल बीट थे वहाँ पे आ जाइए, जहाँ से फ़ोटो स्टार्टिंग हो रहा है वहाँ सारे फ़ोटो पे आपको ये इफेक्ट देना है। इसलिए आपको फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। फिर से दो नंबर पे फ़ोटो पे जाना है, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको पूरे फ़ोटो में ये इफेक्ट दे देना है। तो मैं फ़ोटो दे देता हूँ जल्दी से। दोस्तों, मैंने इफेक्ट डाल दी है। तो आपको फिर से आ जाना है। दोस्तों, मैंने इफेक्ट डाल दिया है। तो आपको फिर से प्लस पे आ जाना है, मीडिया पे क्लिक कीजिए। आपको एक वाइट शेडो दे दूँगा, तो आपको डाउनलोड करके ले लेना है। तो शेडो पे क्लिक कर लीजिए, वहाँ मून ट्रांसफर में आ जाइए। मून ट्रांसफर में आ जाने के बाद नीचे थोड़ा स्लाइड कर लीजिए, बरोबर स्लाइड बरोबर सेट करने के बाद फिर से प्लस पे लीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए। आपको एक टेक्स्ट पीएनजी दे दूंगा महाशिवरात्रि का, तो आपको वो ले लेना है। फिर से मूड ट्रांसफर में आ जाना है और बीचों बीच सेट कर देना है और थोड़ा सा छोटा कर लेना है। तो फिर से आपको जितना फ़ोटो लास्ट का है वहाँ जाने के बाद शेडो को और टेक्स्ट लोगों को ले लेना है। तो इस तरह से सेट कर लेना है। फिर से डबल पीट पर आ जाना है, मीडिया पर आ जाना है। आपको एक टेम्पलेट दूंगा मैं, टेम्पलेट वो आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर से टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, लाइटिंग में जाइए, स्क्रीन कर लीजिए, इस तरह से नीचे स्लाइड कर लीजिए, लास्ट के फ़ोटो पे आ जाइए। यहाँ से टेम्पलेट कट कर दीजिए, वहाँ सेटिंग के पास एक आइकन दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका स्टेटस बनकर दिया।